फ्रेंड्स, दिसंबर का मंथ आ चुका है और दिसंबर का मंथ आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है क्रिसमस। तो चलिए आज हम बनाते हैं क्रिसमस स्पेशल एगलेस प्लम केक, और इसे नॉन अल्कोहलिक्स भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने कोई भी अल्कोहल का यूज नहीं किया है, यानी कोई भी रम, ब्रांडी या विस्की का यूज नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देखते हैं और इसे आप भी ट्राई कीजिए। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगेगी, इसे हम लगातार चलाते हुए इसका कैरमल बना लेंगे। और ये देखिए, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और इस स्टेज पर हम चीनी इसके लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बहुत ही जल्दी जल जाता है। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब ये देखिए कि चीनी बिल्कुल अच्छे से कैरमल इसका बन गया है। अब गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधा कप गर्म पानी और थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे और कैरमल सिरप बना लेंगे। पानी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसका सिरप बना लेंगे। और ये सिरप बनकर रेडी हो गया है। इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू, 3 बड़े चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बादाम, 3 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी, फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच अखरोट और साथ ही इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच हरी किशमिश और फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच काली किशमिश यानी मुनक्का। और फिर इसे हम 2 मिनट के लिए कैरमल सिरप में इसे पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसमें खजूर और क्रैनबेरी भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कैंडिड चेरी यानी करौंदा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ट्रेडिशनली प्लम केक बनाने में ये सारे ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 महीने पहले रम या ब्रांडी में सोक करते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स इस ड्राई फ्रूट्स में आ जाएं। लेकिन हम यहाँ पे ना रम यूज कर रहे हैं ना एग यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैरमल सिरप में इसे पकाया है ताकि इसका कुछ तीखा, कुछ मीठा सारा टेस्ट फ्लेवर इसमें ड्राई फ्रूट्स में आ जाए। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें डालेंगे आधा कप संतरे का जूस और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और सारा फ्लेवर भी इसमें आ जाए। फिर इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब केक का बैटर बनाने से पहले कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए एक चौड़े मुंह का बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप नमक डालकर इवनली स्प्रेड कर देंगे और फिर इसमें रखेंगे एक स्टैंड। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं और ढककर फिर इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। साथ ही हम केक टिन भी रेडी कर लेते हैं। केक टिन को ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा देंगे और साइड में भी हम बटर पेपर लगा लेंगे। जनरली बाकी सारे केक को बनाने में बटर पेपर साइड में लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इस केक को बनाने में बटर पेपर जरूर लगा लेना चाहिए क्योंकि इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं कि जब हम बेक करते हैं तो उसके जलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बटर पेपर जरूर लगा लें। अब एक बोल लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जायफल पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ड्राइड जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर, और अब इसमें डालेंगे 2 कप मैदा और इन सबको डालकर अच्छे से हम छान लेंगे। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर, सौंठ पाउडर और जायफल पाउडर नहीं है तो आप चीनी के साथ ही इसे थोड़ा सा डालकर पीस ले, उसके बाद इसमें डालकर छानें। केक बनाने की मेन इंग्रेडिएंट्स तो मैं इसमें डालना ही भूल गई, कोई बात नहीं, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दूध और दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और साथ ही डालेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें 1/2 कप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस
और फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर बाकी बचे हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट्स और इसके पहले हम 2 छोटे चम्मच ड्राई फ्रूट्स निकालकर अलग एक बोल में रख लेंगे और जब केक के बैटर टिन में डाल देंगे तो उसके ऊपर से ये ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को इस बैटर में मिला देंगे और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्लम केक में ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स डाले उतना ही अच्छा लगता है। और अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच सफ़ेद सिरका और इसे तुरंत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो केक टिन मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था उसमें बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर इसे हाथ से 10 से 12 बार हम इसे टैप कर देंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल कर रखा था उसे हम ऊपर में डाल देते हैं। कुछ मैं इसके ऊपर कैंडिड चेरी भी डाल देती हूँ। और अब ये केक टिन रेडी हो गया है प्री हीटेड पैन में जाने के लिए। इसे प्री हीटेड पैन में डालकर हम 60 मिनट्स तक के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। इस केक को बेक करने में नॉर्मल केक से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब केक टिन को हम पैन में रखेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 60 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे। अब 60 मिनट्स के बाद चेक कर लेते हैं इसमें कोई भी टूथपिक या फ्रूट फोक को इंसर्ट करेंगे और फिर इसे जब निकालेंगे तो हम देखेंगे अगर इसमें कुछ भी स्टिक नहीं हो रहा है तो हमारा केक रेडी हो। ये देखिए फ्रूट फोक में कुछ भी स्टिक नहीं हुआ है इसलिए हमारा केक यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर कुछ स्टिक हो रहा है तो आप इसे 5 से 10 मिनट और लो फ्लेम पर बेक कर लें। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। बाहर निकालने के बाद इसे हम एक कपड़े से ढक देंगे ताकि केक मॉइस्ट रहे और इसे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे फिर डिमोल्ड करेंगे। अब ठंडा होने के बाद मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया है और साइड में जो बटर पेपर लगा रखा था उसे भी हटा देते हैं। और ये देखिए साइड में बटर पेपर लगे रहने के कारण जो साइड्स में ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं जले हैं और ना ही केक जला है। और इस तरह रेडी हो गया सुपर सॉफ्ट एगलेस प्लम केक। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप कुकिंग।